उत्तराखंड में सशक्त भू कानून लागू किए जाने की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। इसी मांग को लेकर कभी सियासी दल तो कभी सामाजिक संगठन के लोग सरकार के मुखिया का घेराव करने लगते हैं। सशक्त भू कानून की इस मांग पर अब सीएम धामी भी चिंतित दिखाई दे रहे हैं, लेकिन विपक्षी दल लगातार सरकार पर आरोप लगाने का काम कर रहा है। सशक्त भू कानून की बढ़ती मांग जहां सियासी दलों के लिए बड़ा चुनावी मुद्दा बन रहा है, तो वहीं सामाजिक संगठनों और राज्य आंदोलनकारी प्रदेश के लिए इसे सबसे जरूरी कानून बताते हुए इसे लागू करने की लगातार मांग कर रहे हैं। राज्य में सशक्त भू कानून की मांग को लेकर आए दिन राजधानी देहरादून में विरोध प्रदर्शन और रैलियां निकलती हुई दिखाई देती है। भू कानून की इस मांग को लेकर की सरकार के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी चिंतित नजर आए हैं। उन्होंने जनता को भरोसा देते हुए कहा कि जनहित से जुड़े हर विषय पर सरकार चिंतित है और जल्द ही भू कानून को लेकर भी विधिक राय और सुझावों पर कार्य करने का काम सरकार करेगी। सशक्त भू कानून को लेकर की पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसकी रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो चुकी है। समिति की रिपोर्ट का अध्ययन के लिए सरकार ने कैबिनेट मंत्रियों की सब कमेटी का गठन किया है और उसकी सिफारिश के बाद विधानसभा के पटल पर इसे रखने के पश्चात यह कानून की शक्ल ले लेगा। सदन से पहले इस कानून को लागू करने के लिए प्रदेश में सियासत काफी गर्म हो चुकी है, जिस पर अब सरकार को निर्णय लेना है। देखिए, भू कानून और एक सख्त जो है उत्तराखंड के अंदर इस प्रकार का कानून बने, उसका हमने अभी सोमवार को कैबिनेट में मंत्रिमंडल ने इसको पारित कर दिया है कि हम एक कड़ा कानून यहाँ पर लाने वाले हैं और उसकी हमारी तैयारियाँ चल रही हैं। पहले से भी जो हमारे मुख्य सचिव थे सुभाष कुमार जी, उनकी अध्यक्षता में जो कमेटी गठित हुई थी, उस कमेटी की भी रिपोर्ट आ गई है। सभी का अध्ययन करने के बाद हम उत्तराखंड के अंदर सख्त भूकान दोनों विषय, मूल निवास के विषय पर अभी क्योंकि उसकी कोई अलग से कमेटी बनी नहीं है, अभी चर्चा उसको होगी, पार्टी ने उस पर अपना दृष्टिकोण अभी स्पष्ट करना है। तो मूल निवास का विषय पहले से लागू है और उस विषय को मैं कुछ संशोधन की आवश्यकता होगी तो करेंगे। स्थायी निवास चल रहा है ना, मूल निवास की बाध्यता खत्म है। देखिए सुनिए, मूल निवास स्थायी निवास के विषय पर अभी बहुत स्पष्ट पार्टी की नीति तय होनी है, माननीय मुख्यमंत्री उस पर चर्चा करेंगे और भविष्य उसका इम्प्लीमेंट। कुछ चेष्टा बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि वो जो है किस इशारे पर जो है ये आंदोलन कर रहे हैं। आप बताइए, जो सवाल खड़ा करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कर रहे हैं, ये आंदोलनकारियों की शक्तियों का भी अपमान है, राज्य की जनता का अपमान है और आंदोलन के गर्भ से जन्मे उत्तराखंड राज्य के हर व्यक्ति का अपमान है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को इस बयान के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए।